हमरा सब अखन मिथिला सांस्कृतिक यात्रा के क्रम में महिषीक माँ उग्रतारा स्थान आयल छी और पछिला साल सेहो हम सब जे छै से एहिठाम सँ कवरेज कऽ कऽ गेल छलहुँ, मुदा एखन धरि ओ वीडियो हम सब प्रकाशित नहि केने रही। एक बेर कऽ कऽ पुनः किछु समय के लेल जे छै से प्रकाशित ओकरा पब्लिश कऽ कऽ तुरंत हम सब उतारि देने रही, कारण इन डेप्थ मे जे छै से चीज नहि रहै, ताहि दुआरे हम सब इंतजार मे रखने छलिए। वशिष्ठाराधिता तारा छथिन, वशिष्ठ मुनि जे चीनाचार पद्धति सँ वाममार्गी पद्धति सँ जे छै से जे तपस्या केलखिन तकरा बाद सँ जे चीज परम्परा एहिठाम सँ जुड़लैए। हालांकि पहले हो कहने छलहुँ जे तीनटा जे जगह छै मिथिला के जकरा मिथिला पीठ के बात कहल जाइत छै, दावा छै जाहिमे हमसब जब बेनीपट्टी चलि जाइ छी तऽ उच्चैठ सहरसा के महिषी मे माँ उग्रतारा और जयमंगला जे छै, तऽ हमरा संगे कुंदन भाई छथि, कुंदन भाई से लगातार हमरा ई विषय पर बातचीत होइत रहैए। तऽ कुंदन भाई कहलनि जे एकर जे छै से बहुत रास पुराण मे या फिर तथ्यात्मक चीज सब जे छै ताहि सब मे एहि चीज के प्रमाण भेटैत छै, तऽ की केना प्रमाण कुंदन भाई भेटै छै से कनि हम अहाँसँ जानकारी चाहब जे मैया के वशिष्ठ मुनि द्वारा जे छै से हुनकर जे की केना पद्धति छलनि एहिके विषय मे कनि किछु जानकारी चाहै छी। माँ उग्रतारा मूलतः मानल जाइ छथिन जे वशिष्ठ आराधिता तारा छथिन, एहि सर्वविदित छै, एकर चर्चा शक्ति पुराण मे भी छै आर अन्य अन्य किताब मे भी छै जे वशिष्ठ मुनि एहिठाम तपस्या करै छलाह और हुनका वैदिक रीति से तपस्या करै मे भगवती के दर्शन नहि भेलै, नहि भेलै, तकर बाद ओ पहले तो खिसिया गेला, स्थापित करै के इच्छा केलखिन, लेकिन तखन आकाशवाणी भेलै जे कि अहाँ बौद्ध मार्ग से तपस्या करू आ एकरा लेल अहाँ चीन देश में नीलांचल चल जाऊ, ओहिठाम अहाँके गुरु भेट जेता, ओकर बाद अहाँ ओहिठाम तपस्या कऽ के ओहिठाम अहाँ प्राप्त कऽ सकै छी। ओहिठाम ओ गेला आर ओहिठाम घोर तपस्या कयलनि, भगवती प्रसन्न भेलखिन, प्रकट भेलखिन, तहन भगवती से जे वरदान ई मंगलैथ ओ कहलखिन जे भगवती अहाँ सदैव हमरा संगे चलू, ई पर मान्यता छै एहिठामका जे कि सदैव चलू, भगवती के ओ सदैव आनलैथ। लेकिन भगवती ओहिठाम चलै से पहले एक शर्त राखलखिन जे कि जहिया कहियो भी एहि मामला के लैके, चूँकि अहाँ मुनि छी, रिसीवर छी, अन्य महिला के संग देख के अहाँके मन में बात भऽ सकै छै, हाँ कहियो मन में छोब आयत तऽ हम ओहिठाम पाथर के रूप धऽ लेब। भेलै, एहिठाम एलखिन, पूजा करैत रहथिन, हुनका संग संग जे ऋषि मुनि अन्य ऋषि मुनि सब पूजा करै छलखिन हैं, वो सब देखलखिन तऽ वो सब तरह तरह के चर्चा करे लगलखिन आ एहि सब कनी काल ला जरूर वशिष्ठ के इच्छा भेलै जे कि ई बदनामी भऽ रहल यऽ, बस भगवती पाथर के भऽ गेलखिन आ तहिया से भगवती एहिठा छथिन। ओना ऐतिहासिक बैकग्राउंड एकरा नहि मानै छै, ऐतिहासिक बैकग्राउंड इएह छै जे भगवती जेना सहरसा गजटियर मे एकर फिगर छै तऽ ओहिमे जे द्विभुजी तारा के परिकल्पना छै सेम एकटा एहने मूर्ति भगवती तारा के नालंदा के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम मे सेहो छै, सेम एतबीटा के एहिठाम चारि मूर्ति छै आ चारू चारि तरह चारि चीज के लेल चारि तरफ इशारा करै छै, जाहिमे जे ऊपर मे छनि ओ अक्षोभ छनि भगवती कबार पर, सबसे पैघ मूर्ति भगवती उग्रतारा के छियनि, एक कात नील सरस्वती छथिन आ एक साइड में एक जटा छथिन, ओहिमे चारू मूर्ति के अलग अलग अपन परिकल्पना छै। भगवती के जे अथी छनि एक जटा स्वरूप छनि, ओकरा लेल कहल जाइ छै जे कि शून्यवाद के जे प्रवर्तक रहथिन दार्शनिक नागार्जुन, हुनकर इष्ट देवी रहथिन आ नील सरस अथी एकर एक जटा के इष्ट देवी छथिन ई एक जटा भूट देश जे लद्दाख साइड में पड़े छै ओहिठाम का, ओहिठाम अखनो एक जटा के पूजा होइ छनि, एकरा मोक्ष दाहिनी भगवती के रूप में पूजा लोग करै छै। नील सरस्वती जे अपना ओहिठाम एकटा आचार्य भेला रहै बड़ा मिहिर जिनका बारे में जिनकर पुस्तको छनि जे पशु पक्षी के भाषा के विशेषज्ञ छलाह, हुनकर इष्ट देवी नील सरस्वती छलखिन आ अक्षोभ जे छथिन सबसे ऊपर छथिन, अक्षोभ ऋषि के बारे में कहल जाइ छै जे ओ सब तरह के तंत्र के विशेषज्ञ रहै, जतेक आगम छनि पाँच आगम मानल जाइ छै भारतीय दर्शन में, पाँचों आगम के वो विशेषज्ञ रहे, सब तंत्र वो जानते रहते। आगम के जिक्र कह दीजिए तो कहीं विशेष देखे वाला के लिए बढ़िया रहते हैं।
आगम में आवे छे सौर्य तंत्र, गणपति तंत्र, शक्ति तंत्र, शिव तंत्र और एक आर तंत्र आवे छे, अखन हम नाम बिसरि रहल छी। पांच आगम छे आ पांचों के तंत्र विधि में पूजा होय छे आ ओ पांचों तंत्र के ओ विशेषज्ञ रहथिन। ओना बौद्ध साहित्य में जे आठ टा महाबौद्धि रहित जिनका पैरेलल टू बुद्ध मानल जात रहन वज्रायन में, ओहियो में अक्षोभ्य के नाम आवे छन, किरीटधारी के आवे छन, तो ओहियो में अक्षोभ्य रहथिन अब विशेष तंत्र के रहथिन। अठा एक भग्नावशेष देखबे तो साइड में एक पिलर टाइप के छे जे धर्म स्तूप के छे, जे हम सब बातचीत करे अंदर चले छी जे रे एसन सत्यार्थी छे जे मिथिला दर्शन का के एक पुस्तक लिखने छे, हुनकर पुस्तक में इस चीज के चर्चा छे कि धर्म स्तूप के नीचा में जे एक लोगो छे ओ तंत्र साधना केंद्र के लोगो होय छले, ओ स्तूप या छिए जी। यह चारटा प्रतिमा के विषय में जे छै से अपने धर्म स्तूप जी छले जी, ई लोगो के माने छथिन जे तंत्र ई तंत्र 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 विद्या वाला जे छै से चीज ई, और ई असन सत्यार्थी जी माने जी जी। और ये चारटा मूर्ति अलग अलग जे छै छिए अच्छा जी बिल्कुल कने अपने से ये ई जे छै सेम मूर्ति अहाँ के भेट जात सारनाथ में, सारनाथ में जखन हाँ जैमे बुद्ध के निर्माण काल के वो मूर्ति छे। हाँ, हाँ। ओहिमे एक टा सरस्वती अच्छा, कुंदन भाई कार्यकाल की रहल हेतै एकर सबके कार्यकाल बिफोर पाल काल मानल जाय छे, पाल वंश से पहले जे छे। हाँ ओना जे तारा के जे ई चर्चा छे एकर चर्चा बौद्ध के एकटा साहित्य छे आर्य श्री मंजुकल, ओहिमे द्विभुजी तारा के परिकल्पना कयल गेलै जी, तो ओहिमे ई कहल गेलै है जे तारा द्विभुजी जे छथिन ओ इष्ट रहथिन बौद्ध के वज्रायन शाखा के। हमरा सब मैया के गर्भगृह में जे छै से अखन प्रवेश कऽ रहल छी और अखन श्रृंगार के जे छै से कार्यक्रम चल रहल छन, तो निश्चित रूप से हमरो सबक लेल ई एकटा अलौकिक क्षण अछि। पछिला बेर सेहो हमरा सब आयल रही और बहुत विस्तार से एहिठाम से बातचीत केने रही पंडा जी सब छलथि है, तो किछु हम ट्रस्ट के विषय में सेहो जे छै से जानना चाहब जे की केना ट्रस्ट से एहिठाम की सब सुविधा भेट रहल छै, और ओहिके बाद जे एकटा जे विवाद छै जे 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 पीठ के लऽ कऽ आखिर ओकरा केना देख रहल छै, दावा तीन जगह भऽ रहल छै, तऽ ओहिके विषय मे जे छै से चाहे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अगर कोनो तरह के एहन तरहक प्रमाण होय या फिर धर्माचार्य लोकनि अगर एहिपर किछु अपन प्रकाश देने हेथिन जे अहाँ लोकनिक संज्ञान मे होय तऽ इहो पर हम किछु जानऽ चाहैत छी। जहाँ तक पीठ के सवाल छै शक्तिपीठ, तऽ शक्तिपीठ मे कहल गेलैए जे कि जे सती के अंग अति सबके ब्रह्म विष्णु जी अपन सुदर्शन चक्र से 51 भाग में डिवाइड केने रहथिन, वो जता जता खसले तैठा शक्तिपीठ के स्थापना भेले। लेकिन अइ जगह के जे चर्चा होइ छे वो शक्तिपीठ में भी होइ छे, सिद्धपीठ में भी होइ छे। शक्तिपीठ अइ मामला में एकरा जो किछ आर गूढ़ किताब सब देखल जाए जना चिनाचार वगैरह छे तो ओहिमे कहल जाइ छे जे तारा के सती के जे आँखि रहनि बायाँ आँखि के पुतली जे रहनि ओ एहिठाम खसल रहथिन, तऽ एहिठाम गुप्त पूजा के बेसी मानि छनि, गुप्त ज्ञान के बेसी मानि छनि। नेत्र भाग ओहियोठाम दावा करै छथिन बंगालो के तऽ भए सके नेत्र भाग ओहिठाम खसल होनि, लेकिन आँखिक पुतली किछु अंश अहियोठाम खसल रहनि। पुतली जेना कहै छथिन लोक तऽ पुतली खसल हेतनि, आओर पुतली बहुत गूढ़ चीज होइ छै आओर पुतली के अपन अपन माने होइ छै, बिना लेंस के कोनो आँखि के कोनो काजे नहि छै। तैं तंत्र शास्त्र मे तांत्रिक सब ई मानै छथिन जे कि अंतरिम आदेश एतै से भेटै छनि। ई अहाँ तारो पीठ मे अगर जँ केओ तांत्रिक भेट जेता तऽ हुनको से पुछबनि तऽ जे ओ इएह कहै छथिन जे कि सिद्धि कहीं से ले लो, अंतिम आदेश वहीं से मिलेगा, इसलिए एक बार अंतिम आदेश के लिए मैं भी जाता हूँ। निश्चित रूप से जे छै से बहुत डेप्थ में जे छै से जानकारी देलनि हँ, हालांकि वीडियो हम सब
पिछले साल पब्लिश केने रही किछु काल के, लेकिन हमरा लागल जे नहि आ वीडियो के जे ओकर सार गर्भिता हेतै से जे छै से कम से कम ओ चीज एहिमे नहि आबि रहल छलै। आओर एहि मंदिर के आसपास जे छै जे चारिटा प्रतिमा अपने कहलहुँ हँ, तकरा आसपास आओरो कोनो ऐतिहासिक चीज भेट रहल छै? आब एहिमे तहन तऽ एकर जे पूजा विधि छै ओहिमे सबसे प्रसिद्ध मानल जाइ छै चीनाचार पद्धति। चीनाचार पद्धतिमे बाइसम पटल जे छै ओ तारा स्थान के भौगोलिक स्थिति के ही देखाएल गेलै। ओहिमे चारू कोनमे से तीन कोनमे शिवलिंग के प्रतिमा बतबै छै जी। ओ शायद बंगालोमे देखाबै छै ओ सब जी। लेकिन एहिमे छै कि तऽ एकरा जे कहल गेलै रहै, जेना अहाँके हम चारि मूर्ति के चर्चा केलहुँ, ओकर बादमे ओकर आर पहलू सब अलग अलग छै, लेकिन जे एहिठाम छै ओहि किताबमे चर्चा जे मंदिर जतय मूर्ति छथिन एकरसँ दक्षिण बगल कुंड छलै हँ, जाहिमे तीन टा कुंड विशेष कए कऽ पहचान भेलै रहै, जकरा कि लोग नाम राखलखिन। अखन पंडो बाबा सब छथि जहिया ई प्लास्टर वगैरह होइत रहै, ओहिसँ पहिले सात टा कुंडके अवशेष भेटैत रहै। ओहिमे तीन कुंडमे एकटा वशिष्ठ कुंड मानल जाइत रहै, एकटा गौतम कुंड मानल जाइत रहै, एकटा अक्षोभ्य कुंड मानल जाइत रहै। आओर उत्तर साइडमे सिर्फ आओर सिर्फ एक कुंडके चर्चा छै, ओ तारा कुंडके। ओहिमे बात इएह छै जे ओकरा साथ साथ एक चीजके आर चर्चा होइ छै, वशिष्ठके पितामह सर कहल गेलैए ओहि किताबमे जे चर्चा छै, ओहिमे एकटा पितामह सर कए कऽ चर्चा भेलैए। आओर जँ पितामह सरके बारेमे विशेष डिटेलमे जेबै तऽ मिथिलाके जे आदि वंशज रहै, जे मध्य भारतसँ उत्तर भारतके तरफ अयला रहै राजा निमि, हुनका सङ्गे जे वशिष्ठ एलखिन रहै, हुनकासँ निमिके जे विवाद भेलनि रहै यज्ञ कयलाके, यज्ञ करैके लेल, हँ, ओहिमे निमियो श्राप देने रहथिन वशिष्ठके, वशिष्ठो देने रहथिन, दुनूके दुनू विदेह होइके श्राप देने रहथिन। तऽ जे आदि वशिष्ठ ओहिठाम रहथिन हुनका बादमे पितामहके उपाधि सेहो भेटल रहनि। तऽ अगर पितामह सर भेटै छनि तऽ पितामहके द्वारा बनायल गेल सरोवर हेतै एहिठाम, जे कालखण्डमे ई बांध कोशीके चलते भए सकैय, क्षतिग्रस्त भए गेल होइ, लेकिन एकरा हमरा खोजे पड़तै। ऐतिहासिक प्रमाणिकता इएह सब चीजसँ होइ छै, जेकि एहिठाम अगल बगलमे बहुत सारा मूर्ति जे छै भग्नावशेष अहाँ देखबो केलहुँ, आ वीडियो भी बनेलहुँ, आरो भग्नावशेष छै जे उत्तर बगलसँ भेटलै, ओहिमे किछु हिन्दू धर्मसँ भी जुड़ल छै, ब्राह्मण धर्मसँ भी, जेना एहिठाम एकटा सरस्वतीके मूर्ति छै जे ब्राह्मण धर्मसँ जुड़ल हेतै, अहियोठाम एकटा जे नील सरस्वतीके चर्चा होइ छै कतहुसँ बौद्ध नहि छियै। तऽ एहिठामका लेल ई कहल जाइ छै जे कि एहिठाम बौद्ध आ ब्राह्मण, ओना इतिहास इहो मानै छै जे बुद्धके, भगवान बुद्धके हिन्दू धर्मके विष्णुके दशम अवतार जे घोषित भेलै रहै ओ मिथिलासँ भेलै रहै, तऽ ओ जगह हमसब एकरे मानै छियै। जगह ओ छै जे तंत्रके माध्यमसँ हिन्दू आओर ब्राह्मण दुनू एक साथ साधना करै छलाह, जे तंत्रके साधना करै छलाह, जकर प्रमाणो छै एकाद अहाँके ओ कुण्ड सब भेटै छै, एकाद बौद्धिस्टवला मूर्ति सब भेटै छै, ई सेंटर छथिन। एकर कार्यकाल की, एकरो जे छै से हम वएह कार्यकाल मानी जे अपने बाहरमे कहने रही, या एकर कार्यकाल अगर मूर्तिके हिसाबसँ हमसब देखबै तऽ ई चौथी शताब्दी होना चाही। अच्छा। लेकिन इतिहासकार एकरा पालकालीन मानै छथिन। चौथी शताब्दी कहैके तात्पर्य इएह छै जे आर सूर्य मंजूकल्पमे जे चर्चा छै द्विभुजी ताराके, हालाँकि हमसब एखनो जे ध्यान मंत्र पढ़ै छी ओ चारिभुजी ताराके करै छी, लेकिन जे हिनकर मूर्तिके जे फिगर छनि द्विभुजी ताराके छनि, आ ओ सरकारी किताबमे छनि, सहरसा गजटियरमे ओ किताब छपल छनि, ताहि दुआरे ओ द्विभुजी मानै छियै। आ जे नालन्दामे छै ओकरा अगर ओ चौथी शताब्दीके मानै छथिन तऽ एकरो चौथी शताब्दीके मनबाक चाही। तऽ बहुत बढ़िआँ जानकारी देलनि हँ पण्डित जी सब छथि, तऽ हिनको सबसँ जे छै, चूँकि मंदिर जे छै से न्यास बोर्डके अन्दरमे अबैत छै, आओर एहिठाम की केना रख रखावमे जे छै से अहाँ सबके कोन तरहक सुविधा भेट रहल अइ, कोन तरहक जे छै पछिला साल कनेक विवाद जेना सेहो भऽ गेल छलैए, तऽ न्यास बोर्डसँ जे छै से की केना अथी भेट रहल छै? आओर हमरा लगैए जे पछिला साल ई टाइल्स ताइल्स शायद नहि लागल छलै, एहि बेर तऽ ई न्यासे बोर्डके द्वारा भऽ रहल छै या फिर नहि? प्राइवेट व्यक्तिगत छथि तारानन्द सादा जी, कांग्रेसके ओ प्रवक्ता या नेता कहल जाउ, तऽ हुनके दामाद छथिन एस पी साहब, हुनके तरफसँ टाइल्स भेटलै हँ। आर सब आर डोनेशन
किछु कयल गेलनि हँ ई ट्रस्टोके तरफसँ जे ओ मजदूरीके किछु खण्ड ओ बेयर कऽ रहल छथिन। आ ओना ई तऽ वशिष्ठा आराधिता तारा छथि, मुनि वशिष्ठके आराधना प्राचीन देशमे शैल पर्वतपर लगभग 4000 वर्ष जखन हुनकर तपस्या पूरा भेलनि तऽ 14 वर्ष कन्याकुमारीके स्वरूपमे भगवती हुनका दर्शन दै छथिन। वशिष्ठके ध्यान खुललनि, हुनका चरणपर मस्तक लगेलनि तऽ वशिष्ठके कहै छथिन, माँ जे अहाँके पूजा अर्चनासँ तऽ हम बहुत प्रसन्न भेल छी, आइ अपने जे माँगब। तऽ कहलकै, माँ हमरा की चाही, अहाँ हमरा सङ्गे चलू, हमर नवकुण्ड छै, ओहि कुण्डपर अपनेके हम इष्टके रूपमे पूजा करब। तऽ ओ कहलखिन जे ठीक छै हम चलब, लेकिन शर्त अहाँके मनमे या पशु पक्षी द्वारा या अन्यत्र जाहि दिन हमरा अपभ्रंश शब्दके प्रयोग सुनाइ पड़त तऽ हम जाहि जगह रहब ओहिए हम प्रस्थलके रूप लऽ लेब। तऽ बहुत दिन बितलै, एहिठाम नवकुण्ड छलै, नौटा ऋषिगंज सब छलै, बगलमे धर्मुला नदीके तट बहैत रहनि, ओहिपर ब्रह्म मुहूर्तमे जाइत रहैत स्नान करै लए सब ऋषिगंजसँ। तऽ ई तऽ वैदिक प्रक्रियासँ हिनका तांत्रिक प्रक्रियामे आबै जी जी, कारण एहि दुआरे वैदिक जे हुनकर परम्परा छलनि ताहिमे दू तीन बेर जे छै से नहि हुनका ओ साधना हुनकर सिद्ध भेलनि जी, ताहि लेल हिनका परिवर्तन बदलऽ पड़लनि आ तांत्रिक पूजनमे पञ्चोप पूजा करैके लेल। तऽ ओ पूजा जे होइ छै श्रीमान, तऽ ओ 12 बजे रात्रिके बादे होइ छै, निशाभाग राति। हाँ, तऽ ओहिए क्रममे एक दिन विलम्बसँ हुनका नींद खुललनि, सब ऋषिगण सब तपस्या करैत अपन तटपर स्नान कऽ के ध्यान करैत रहैत, ई जहिना जलमे कूदै छथिन तऽ हिनका ऊपरमे कटाक्ष स्वरूप जे ई की रहता, हिनका सर्वश्रेष्ठ ऋषिमे स्थान भेटलनि। लेकिन हिनका कुटियामे देखै छियनि 14 वर्ष की कन्याकुमारी, ओ शब्द नहि बुझैत रहथिन जगदम्बा हिनका सङ्ग। तऽ ओ शब्द ओ जहिना सुनै छथिन कि दुनू कानमे उंगली लेने जलसँ निकलै छथि, आबै छथि अपना कुटिया, कुटिया आबैके बाद हुनका बहुत अन्धकार मालूम भेलनि, बहुत रोदन केलनि, बहुत विलाप केलनि। तऽ फेर मध्य रात्रिके बाद आकाशवाणी आवाज होइ छै जे वशिष्ठ हमरा अहाँके बीच जे शर्त छल ओ शर्त एहिठाम भग्न भऽ चुकल, अब दुबारा दर्शन अहाँके एहिठाम नहि भेटत। तैयो नहि मानै छथिन। 1 सप्ताहके बाद फेर पुनः ओहिना रोदन बिलाप, तऽ फेर हुनका वएह आकाशवाणी आवाज भेलनि जे ठीक छै नहि मानै छी तऽ अहाँ चलू तारापीठ, बंगालमे पड़ै छी, हम ओहिठाम अहीँके द्वारा स्थापिता होयब, ओहिठाम बामा खेबाक सिद्धि छनि, एहिठाम वशिष्ठा। तऽ एहिए ओना अध्यात्म जतेक घुसबै श्रीमान ततेक गूढ़ रहस्य सब भेटै छै। तऽ हमरा सब जे छै पूर्वज लोकनि जे हिसाब किताब भगवतीके बारेमे बतबैत आबि रहल छथिन, तऽ ओहि मुताबिक मैया एहिठाम जे भी मनोकामना लए कऽ आबै छै जे भक्त, हुनकर मनोकामना ई भगवती सिद्ध करै छै। निश्चित रूपसँ जे पण्डा जी कहलनि हँ या फेर पण्डित जी कहलनि हँ या जे कुन्दन भाई कहलनि हँ, आब बृहद जानकारी आओर सुनलहुँ हिनका माँ ताराके विषयमे, तऽ एकटा मिथिलाके जे छै से ऐतिहासिक या फेर कही जे एतेक सिद्ध जगह छै जाहिठाम एकटा अपना ओहिठाम कहावत छै चारू पहर सोना बरसन अछि, एहिठाम निश्चित रूपसँ छै ओ चीज जी। सतीके जे 52 जगह खण्डित कयल गेल छै तऽ ओहिमे 10 महासिद्ध पीठ मानल गेलै, ओहि 10मे ई द्वितीय तारा कहाबै छथिन। एहिठाम सतीके वाम नेत्र सेहो गिरलनि, जेना हमसब एखनो कपड़ा चेंज करै छियै तऽ ओहि भागमे आँखिके स्वरूप ओहिना ओ देखा दै छथिन। तऽ तैँ हिनका द्वितीय ताराके रूपमे उग्र रूपमे हिनका एहिठाम पूजल जा रहल छनि, उग्र तारा, नील सरस्वती, एक जटाके महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तीन रूपमे अवतरित छथिन। तऽ जे भी भक्त एहिठाम आबै छथि, जे कामना रोपै छथिन से भगवती हुनका मनोकामना पूर्ण करै छै, पुनः ढोल पिपहीके सङ्गे बजबैत एहिठाम हिनका लग फेर पुनः अर्पण करै छथिन। निश्चित रूपसँ ई एकटा अलौकिक जगह छै आओर सब गोटाके कमसँ कम जे छै से एहिठाम अयबाक चाही, मैयासँ आशीर्वाद लेबाक चाही। मिथिला सांस्कृतिक यात्रामे हम तऽ इएह विनती करब, अपने सबसँ निवेदन करब जे मिथिलाके जे जतेक सांस्कृतिक केन्द्र छै, जतेक अपन एहन एहन सिद्ध जगह छै, सब जगहपर जाइ आओर एक बेर तारा एहिठाम तारा माईके दरबारमे सेहो आबी,
हमरो दू बेर सौभाग्य भेटल एहिठाम अयबाक आओर निश्चित रूपसँ जे छै से जगह पर अयलाक बाद किछु ने किछु चमत्कारिक तऽ अवश्य बुझाइत छै। सहयोगी खुशबू चौधरी, राजीव चौधरी, ब्रजेंद्रनाथ झा आओर भुवन झाके सङ्ग, आओर विशेष धन्यवाद दैत कुन्दन मिश्रके हम ललित नारायण झा एहिठामसँ अपने लोकनिसँ विदा लेब आओर एहने मैयाके फेर कोनो दोसर जगह पर, एहने कोनो मिथिलाके ऐतिहासिक विरासत पर फेर अपने सबके एक बेर लऽ जायब आओर एहिठुनका जे महिमा छै तकरा ओहि यशगान ओहि जयगान ओहि जगहसँ अपने सबके दर्शन करायब। ताधरिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।